आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया जिले में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिलीप जायसवाल के प्रथम आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के जन प्रतिनिधियों सहित संबंधित अधिकारियों एवं करचुली समाज लोगों के द्वारा स्थानीय सर्किट हाउस में पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। वहीं मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभारित हूँ जो मुझ जैसे कार्यकर्ता को मंत्री पद की जिम्मेदारी दी है एवं संभाग में मेरा प्रथम प्रभाव से जहाँ निश्चित तौर पर पूरे संभाग के मेरे सभी लोग उत्साहित हैं। मैं लगातार 40 वर्षों से पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में कार्यक्रमों में आता रहा हूँ। मेरा एक एक कार्यकर्ताओं से आत्मिक संबंध है एवं हम सबका हमेशा यही प्रयास रहेगा कि नरेंद्र मोदी सरकार एवं प्रदेश के मोहन यादव सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाएं और सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर कार्य करते हुए सरकार की योजनाओं से वंचित लोगों को लाभ पहुंचाएं। वहीं इस दौरान बांधोगढ़ विधायक श्री नारायण सिंह एवं संगठन पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण मौजूद रहे। पेश उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। आज मध्य प्रदेश के नवनियुक्त राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय दिलीप जायसवाल जी का आज प्रवास अपने गृह क्षेत्र जाते हुए उमरिया में हुआ। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी का पूरे जिले का कार्यकर्ता उनका स्वागत यहाँ उमरिया गेस्ट हाउस में किया और सबसे उन्होंने आत्मीय भेंट की। निश्चित रूप से हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और वो अपने क्षेत्र साथ ही जिस जिले का उनको प्रभार मिलेगा वहाँ का विकास करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं, संगठन को जानते हैं, संगठन को समझते हैं। प्रत्येक संगठन का व्यक्ति उनसे व्यक्तिगत रूप से पटवारी स्वयं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे हैं। निश्चित रूप से प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उनसे आत्मीय संबंध रखता है और वो भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से बहुत विधिवत रूप से परिचित है। निश्चित रूप से उनके मंत्री बनने से भारतीय जनता पार्टी का विकास भी होगा, क्षेत्र का विकास होगा, हमारे संसदीय क्षेत्र का विकास होगा, इस पूरे प्रदेश का विकास होगा। हम मोदी जी और माननीय मोहन यादव जी की परिकल्पनाओं को पूरा करेंगे, ऐसी हम सबकी मंगल कामना है। मंत्री आदरणीय श्री दिलीप जायसवाल जी का प्रदेश सरकार में उनको नेतृत्व करने का अवसर मिला है। भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व में जिम्मेदारी सौंपी है और वरिष्ठ अनुभवी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। आज उन्होंने मंत्री बनने के बाद संभाग के दौरे पर काल प्रवास पर हमारे चंदिया उमरिया नौजवाद होती हुई पाली होती हुई बूटी सड़ों में अपने क्षेत्र पर वो पहुँचेंगे। निश्चित रूप से उनके आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह। सबसे पहले तो मैं प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभारी हूँ कि एक जैसे कार्यकर्ता और उन्होंने मंत्री पद की जिम्मेदारी दी है और उसके बाद मेरा प्रथम प्रवास अपने संभाग में और निश्चित तौर पर मेरे संभाग के सभी कार्यकर्ताओं व लोगों में बहुत अपार उत्साह है क्योंकि मैं लगातार 40 वर्ष से पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में आपके चंदिया बिजुरी से चलकर चंदिया तक पार्टी के कार्यक्रमों में आता रहा व बिजुरी से चल करके व्यवहारी बाणसागर तक भी जाता रहा, अमरकंटक तक भी जाता रहा। तो मेरे एक एक कार्यकर्ताओं से बिल्कुल आत्मीय संबंध है, चाहे हमारे नेता जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे जी हों, चाहे हमारे आशुतोष जी हों, हमारे मिथिलेश जी हों, चाहे हमारे माननीय विधायक लल्लू भैया जिनको लोग प्यार से बोलते हैं, इनके आपके पिताजी हमारे दादाजी जो पूर्व सांसद, सबसे एक एक लोगों से आदरणीय माननीय विधायक अभी यहाँ पर नहीं आए हैं मीना सिंह, सभी से एक एक कार्यकर्ताओं से मेरा बिल्कुल आत्मीय संबंध है और उसी का ये परिणाम है कि कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है और ये उत्साह बना रहे हम चाहते हैं, ये उत्साह बना रहे और जनता के काम सब कार्यकर्ता मोदी जी की एक एक योजना को जनता तक पहुंचाए, मध्य प्रदेश सरकार माननीय मोहन यादव जी की योजनाओं को जनता तक पहुंचाए। अभी हमारे बीच में केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर के व मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर के विकसित भारत संकल्प यात्रा का चल रहा है। मैं सभी कार्यकर्ताओं से अपील किया हूँ, निवेदन किया हूँ, उस यात्रा में आप सब लोग बढ़ चढ़ करके भाग लें और जो भी व्यक्ति चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार की योजना से अगर कोई वंचित रह गया है तो उस योजना का उसको आवेदन बनवा करके वहां पर काउंटर लगते हैं सारे अधिकारियों को उनको दिलवाएं और वो पात्र है तो उसको हम चाहते हैं सरकार की योजना का लाभ भी मिले।
मोदी जी का ये संकल्प है कि 2047 जब 100 साल हम मनाएंगे तो इस देश को विकसित देश बनाएंगे, कहीं कोई गरीबी ना हो, कहीं पर कोई मूलभूत सुविधा की कमी ना हो, सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर खेत को पानी, हर व्यक्ति को रोजगार, ऐसी सोच हमारे माननीय मोदी जी की है और उसी सोच के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जो है बड़े सौभाग्य का दिन है कि हमारे जो है कल्चुरी समाज के माननीय दिलीप जायसवाल जी, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का उन्हें आज दर्जा मिला है, उनके स्वागत के लिए हम लोग आए हैं और उनका स्वागत जो है हम कल्चुरी समाज के द्वारा किया गया है एवं उनके उज्जवल भविष्य। आज हमारे मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री आदरणीय दिलीप जायसवाल साहब उमरिया नगर में पहली बार आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए हमारा कल्चुरी समाज और हमारे कल्चुरी समाज के सभी युवा साथी मंत्री महोदय जी से मिल करके अपने समाज के बारे में अपनी बात रखेंगे।